आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रीमती अर्चना चौरसिया, शासकीय प्राथमिक शाला पिपरछोड़ी, संकुल केंद्र निपानी, विकास खंड बालोद, जिला बालोद से हूँ। चूंकि मैं बालोद जिला की निवासी हूँ, तो बालोद जिला तो वैसे भी हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आप कहें तो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं धार्मिक क्षेत्र के, जो देखने योग्य हैं, दर्शनीय स्थल हैं। उन्हीं में हमारा बालोद जिला ऐसा है जो हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। मैं BSc बायो से पढ़ाई की है मैंने, और स्नातकोत्तर मैंने हिंदी और राजनीति में किया है मैंने, और मुझे लगभग 12 वर्षों का अनुभव है शिक्षण क्षेत्र में। इससे पहले मैंने मेडिकल क्षेत्र में भी कार्य किया है। वर्तमान में मेरी शाला में 115 बच्चे हैं, बालक बालिका मिला के। तो मैं आज सुनिवेश नवाचार ZII के तहत अपनी बात रखना चाहती हूँ। तो कुछ भी बात रखने से पहले मैं चंद पंक्तियाँ जो मैंने स्वयं लिखी है, स्वरचित है मेरी, वो मैं आपके समक्ष सुनाना चाहती हूँ। शिक्षकों का यही विचार शिक्षा में हो नवाचार, पुरानी पद्धतियों के ही साथ है शिक्षण सामग्री की दरकार। शून्य निवेश हो नवाचार या कम लागत में हो तैयार, प्रयोग इनका ऐसा हो कि मिल जाए शिक्षा का सार। खेल खेल में पढ़े और सीखे, सपना हो जाए साकार। तो शून्य निवेश नवाचार का यही है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से हो। तो मैंने उन्हीं पर चंद पंक्तियाँ लिखी थी, और आगे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं तो शुरू से, जब से अध्यापन कार्य कर रही हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि शिक्षा में हमेशा नित्य नए नवाचार होते रहें। पुरानी पद्धतियाँ तो रहती हैं, लेकिन बच्चों में नए चीज़ों की गुण हम डालें। पढ़ाना तो हमें वही है, परंतु हम कुछ नया करें ताकि बच्चे खुश हों। तो ZII प्रशिक्षण मैंने लिया जब सुने निवेश नवाचार का, उसके बाद से तो नित नए नवाचार मैंने अपने शालाओं में किए और उनसे मैंने सीखा। इनोवेटिव पाठशाला ऐप जो है, ये भी बहुत ही अच्छा है, जिसके द्वारा मैंने कई नए तरीके सीखे, जिससे पढ़ाई को रोचक सुचारू रूप से चलाया जा सके और रोचक बनाया जा, मनोरंजक बनाया जा सके। बच्चे उससे बहुत अच्छे ढंग से सीखे, बहुत खुश रहें और बच्चे एक्टिव भी रहें। तो मैंने इन सब चीज़ सीखा। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि श्री द्रोण कुमार सैंडल सर ने हमारा समय समय पर जो मार्गदर्शन किया है हर क्षेत्र में, हमको बताया है कि ये ऐसा करना वैसा करना, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उन्होंने समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक का भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके सफल प्रयासों से आज हमें ये मंच मिला, और हम शिक्षकों के बीच से ही जो नवाचार हैं उनके लिए, उन्होंने उजागर करने के लिए हमें जो मंच दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उनके इस प्रकार के सफल प्रयास के लिए मैं पुनः उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।